स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से कोर्सेज देखने वाले गाइस, और आज मैं आपको कोर्सेज प्लस कॉन्फ्रेंसेस बताने वाला हूँ जो कि अमेज़न वेब सर्विसेज AWS की तरफ से आई है, और ओरेकल के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बताने वाला हूँ गाइस, जिसमें आपको ओरेकल का प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, जिसको आप प्रॉपर अपने रिज्यू में या लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अपलोड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, और ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इनकी सबकी पर्टिकुलर डेडलाइन है गाइस, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जल्दी, जिससे वो लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। प्लस अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना गाइस, और एक लाइक जरूर करना, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं गाइस, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना है, द कॉमर्स बडी सर्च करना है यूट्यूब में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहां पे गाइस मैंने बेसिकली 5 डोमेन बना के रखे हैं, जिसमें फर्स्ट डोमेन में गाइस आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, सेकंड डोमेन में गाइस आपको इंटर्नशिप या जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे, थर्ड डोमेन में गाइस आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, फोर्थ डोमेन में गाइस आपको स्पेशल संडेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और फिफ्थ डोमेन में गाइस आपको केस स्टडी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिनको भी एनरोल करना गाइस आप कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। प्लस आप मेरे को पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है गाइस, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, और ये अमेज़न वेब सर्विसेज की तरफ से गाइस हर साल होता है, और अभी गाइस इसकी भी ये अभी इस साल हो रहा है, और ये फ्री में आपको दिया जा रहा है। अगर आप गाइस आप अटेंड कर ले तो आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा AWS का, प्लस गाइस आपको इसमें और भी चीजें जो कि फ्यूचर में आएंगी, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, उसमें आपको फ्री में एनरोलमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं अमेज़न वेब सर्विसेज की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ AWS। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड आपको 50 प्लस सेशंस मिलने वाले हैं यहाँ पे, और लाइव वन ऑन वन क्वेश्चन एंड आंसर, कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, हर चीज गाइस आपको बताई जा रही है। सर्टिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस, आपको गाइस प्रॉपर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा यहाँ पे, और कस्टमर स्टोरीज, आपको डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स जो कि भाई क्या क्या उनकी स्टोरीज रहती है रिलेटेड टू AWS, हर चीज गाइस आपको यहाँ पे पता चलेगी, कैसे आप भाई टेक्निकल अपने टेक्निकल यूजेस कैसे आप कर सकते हो गाइस, हर चीज गाइस आपको यहाँ पे बताई जाएगी। आप देख सकते हैं पावर्ड बाय इंटेल की तरफ से दिया जा रहा है, अमेज़न और इंटेल का कोलैबोरेशन है गाइस। आप देख सकते हैं डेट इसकी 24th Feb 2022 है गाइस, मतलब आज है गाइस 21st Feb। तो जिनको भी एनरोल करना गाइस, आप जल्दी से जल्दी आज ही अप्लाई कर देना, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बेसिकली एशिया पैसिफिक एंड जापान। तो गाइस जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पे। अगर गाइस आप अपन देख ले कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो गाइस आप कॉन्फ्रेंस में देख सकते हो यहाँ पे गाइस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AI एंड ML एडिशन से रिलेटेड आपको गाइस बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, और अपन जानते हैं गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज्यादा यूज है अभी के लिए। तो गाइस उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, उससे रिलेटेड गाइस आपका लाइव इवेंट होने वाला है, और मशीन लर्निंग जो कि गाइस मैथ साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं मशीन लर्निंग कॉलेज में, तो यहाँ पे गाइस आपको AWS का मिलने वाला है, अमेज़न का फ्री एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते 24th Feb को होने वाला है। तो अब इसमें क्या क्या रहने वाला है गाइस, तो अपन हर चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस अपन एजेंडा की बात करें, तो एजेंडा से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गाइस आप हाईलाइट्स में देखोगे तो हाईलाइट्स में गाइस आपको दो एक मिलने वाले हैं। पहला तो आपका गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इनोवेशन रहने वाला है, और कुछ लोगों की इनोवेशन स्टोरीज फिर गाइस रहने वाली है। अगर आपको प्ले करना वीडियोस तो गाइस आप प्ले भी कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा क्या क्या वो लोग कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर चीज गाइस आपको यहाँ यहीं पे पता चल जाएगी, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में सीखोगे, और कुछ लोगों की स्टोरीज जो कि भाई सक्सेसफुल स्टोरीज है रिगार्डिंग AI एंड ML, तो गाइस वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो प्रॉपर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के यूज केस सॉल्यूशंस कहाँ पे यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके प्रॉपर आपको केस स्टडी यहाँ पे बताई जा रही है। फिर बिल्डिंग ट्रेन एंड डिप्लॉय ML मॉडल्स,
मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे आप बना सकते हो, उन्हें कैसे आप ट्रेन कर सकते हो, फिर कैसे उन्हें क्या डिप्लॉय कर सकते हो, तो हर चीज गाइस यहाँ पे आपको बताई जा रही है। फिर आप देखोगे तो मशीन लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है उससे रिलेटेड गाइस आपको मिलने वाला है। आप अगर ऐसे क्लिक भी करोगे तो आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट केस स्टडी विद फुली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स और वर्क फ्लो से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पे गाइस आपको मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इजिली कस्टमाइज स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू, बजट रिक्वायरमेंट यूजिंग मशीन लर्निंग, हर चीज गाइस आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर गाइस आपको डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के बारे में बताया जा रहा है जिसमें गाइज आपको हाई परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है यहाँ पे और डिफरेंट पोजीशंस के लिए। फिर यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो स्केलिंग विद मशीन लर्निंग से रिलेटेड गाइस आपको मिलेगा जिसमें गाइस आपको अलग अलग मशीन लर्निंग कोड्स वगैरह बताए गए हैं और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे बताई गई गाइस। और फिर लास्ट रहेगा अप लेवल योर मशीन लर्निंग स्किल्स, ठीक है। तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, तो जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये वीडियो भी प्ले कर सकते हो जिसमें प्रॉपर बताया गया क्या क्या चीजें। अब इसमें एजेंडा में बेसिकली क्या है गाइस, यहाँ पे आपको ये एशिया पैसिफिक एंड पैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गाइस अलग अलग इधर शेड्यूल होने वाले हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं गाइस एजेंडा को। तो यहाँ पे गाइस आप एजेंडा में डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, तो आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो क्या क्या चीजें हैं, प्रॉपर आपको एजेंडा पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो ये आपको लेवल डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मिलने वाले हैं जिसको मैं और ब्रीफली बता देता हूँ आपको, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में लेवल 100 30 मिनट्स का जो कि रहने वाला है, फिर 30 मिनट्स का ये होएगा, फिर 30 मिनट्स का नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है, फिर ऐसे करके फिर एक आपको छोटा सा ब्रेक मिलेगा 30 मिनट्स की, ये पूरा आपको शेड्यूल बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेगा इस तो एजेंट सेशंस में क्या क्या होएगा, आपको सबसे पहले की नोट्स में हर चीज गाइस आपको मशीन लर्निंग की सॉल्यूशंस क्या है, डिप्लॉइंग ML models, ML infrastructure, हर चीज गाइस आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो जिनको भी एनरोल करना, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लेवल्स हैं, मतलब जैसे अगर आप बिगिनर लेवल आपको नहीं बनता तो आप ये इंट्रोडक्टरी लेवल कर सकते हैं जो कि लेवल 100 है। इसमें गाइस आपको सर्विसेज क्या क्या होती, फीचर्स उसके क्या क्या अजम्पशंस लिए जाते हैं, तो ये सब आपको गाइस यहाँ पे बताया जाएगा। फिर लेवल 200 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल, मतलब जिनको पहले से ऑलरेडी बनता है तो वो लोग यहाँ पे लेवल 200 वाला देख सकते हैं। इसमें गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट डेमोज मिलेंगे, फिर अजम्पशंस दैट अटेंडीज हैव इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स, और फिर गाइस एडवांस लेवल जो कि बहुत ही मतलब प्रोफेशनल्स लोग हैं या जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं गाइस, तो उनके लिए तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे लेवल 300 है जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड हर चीज गाइस आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो इंडिया इधर बहुत सारे रीजन है, तो अपन इंडिया एंड श्रीलंका पे जाएंगे तो इंडिया एंड श्रीलंका में गाइस आप देख सकते हैं इंडिया का टाइमिंग दिख रहा है आपको सुबह 5:30 से 11:30 तक, और फिर एक है आपका गाइस 11 से शाम 4:30। तो गाइस जिनको भी एनरोल करना है तो आप डायरेक्टली इन दो टाइमिंग में कोई भी एक टाइमिंग में एनरोल कर सकते हो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो गाइस, ठीक है। आप दोनों जरूरी नहीं है दोनों लेक्चर करना अटेंड, आप एक कोई भी कर सकते हो इस टाइम पे या इस टाइम पे जिस टाइम पे भी आप अवेलेबल हो। और दूसरी कंट्रीज के गाइस तो आप देख सकते हो आपके हिसाब से ये अलग अलग शेड्यूल से यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद गाइस ये लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट ये लोग मिलेंगे गाइस जो लोग आपको ऑलरेडी पढ़ाने वाले हैं AWS के बारे में प्रॉपर, और फिर कुछ कस्टमर स्पीकर्स भी रहने वाले गाइस आप देख सकते हो अलग अलग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। अराउंड 1 lakh कस्टमर्स यूजिंग AWS फॉर योर मशीन लर्निंग, आप प्रॉपर ये सब एक्सपीरियंस दे सकते हो। यहाँ पे गाइस कुछ लोगों के क्वेश्चंस वगैरह वो अपन देख लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था वेयर इज AWS इनोवेटिव होस्टेड, तो गाइस ये बेसिकली ऑनलाइन होने वाला है, मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है यहाँ पे और आपको ईमेल पे आ जाएगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। और फिर इसकी इवेंट डेट है 24th February 2022, ठीक है। हु शुड अटेंड AWS, तो गाइस कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट्स हैं, फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी गाइस कर सकता है यहाँ पे अटेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यू एफिशिएंसीज, मेक क्विकर एक्यूरेट डिसीजंस, हर चीज के बारे में गाइस बताया जाएगा। हाउ डू आई गेट द सर्टिफिकेट टू कंप्लीट वर्किंग वॉचिंग 5 or more सेशन, तो गाइस आपको इसमें बहुत सारे सेशन होने हैं, तो आपको एटलीस्ट अपने 5 sessions या उससे ज्यादा अगर आप गाइस करोगे तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा इस 11th March 2022 तक, ठीक है।
आर देयर सेशंस इन अदर लैंग्वेज? हाँ, तो आपको अलग 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 लैंग्वेज मिल जाएंगे गाइज, जिनको भी ये वाली देखनी तो आप देख सकते हैं, कोरियन, जैपनीज और इंडोनेशियन। डू आई नीड टू अटेंड ऑल द टाइमिंग्स? नहीं, आपको भाई ऐसा नहीं है, आप मतलब वही मैंने आपको सुबह बताया, एक सुबह है और एक शाम को है, तो गाइज जो भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, ठीक है। वॉट इज द प्राइस? तो गाइज ये कम्प्लीटली फ्री दिया जा रहा है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, तो कैन आई गेट अ कन्फर्मेशन बाय EWS? हाँ, तो आप जैसे ही फॉर्म फिल कर दो गाइज, तो आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगा EWS की तरफ से, जो कि इवेंट 24th फेब को होने वाला है, ठीक है। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट विद द एंटायर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस? तो गाइज इफ यू हैव एनी डाउट, आप डायरेक्टली ईमेल उनको कर सकते हो, तो ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइज, अब आपको करना है ऐसे रजिस्टर, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, तो आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस, आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आप यहाँ से अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, क्योंकि यहीं पे गाइस आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा। फिर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है गाइस, जो भी आपकी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको गाइस अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप किस सिटी से, स्टेट से बिलोंग करते हो गाइस, तो वो आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको अपनी जबलपुर सिटी या जो भी आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, हर चीज गाइस आपको अच्छे से डालनी है। अगर गाइस आप स्टूडेंट हो तो गाइस आप पर्सनल भी कर सकते हो सिंपल, और अगर गाइस आप प्रोफेशनल बिजनेस लेवल पे हो तो आप बिजनेस या प्रोफेशनल हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। जॉब टाइटल में गाइस आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अभी स्टूडेंट डाल देना बेस्ट रहेगा अगर आप कॉलेज में हो तो। फिर यहाँ पे गाइस आपको कंपनी नेम में अपना कॉलेज का नाम डाल देना, जो भी आपका कॉलेज का नाम होने वाला वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको इंडस्ट्री में भी आप भाई कुछ इंडस्ट्री में, तो ये तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, अगर एजुकेशन है तो आप एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर कंपनी टाइप में गाइस आप कुछ भी एजुकेशन ही डाल देना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एजुकेशन डाल देना या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आपको डालना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपनी साइज में गाइस कुछ भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लेवल ऑफ EWS, डू नॉट, आपने कभी पहले यूज नहीं किया है, फिर आपने पहले यूज कर चुका है, ये आप गाइस कुछ भी कर सकते हो, आप ये कर लेना बेस्ट है। यूज केस में गाइस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे क्लिक कर देना। फिर ये आप गेट ई बुक्स, आपको प्रॉपर ई बुक्स मिलेगी और डिजिटल ट्रेनिंग, इनमें दोनों में टिक कर देना गाइस। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एक पासवर्ड जनरेट करना गाइस, इसमें गाइस अलग अलग पासवर्ड, इसमें अपर केस, लोअर केस, फिर अल्फाबेट, सिंबल्स, हर चीज गाइस रहनी चाहिए। उसको रिपीट पासवर्ड करके गाइस, आई एम नॉट अ रोबोट करके गाइस आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली, ठीक है। तो डायरेक्टली गाइस मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, अमेज़न वेब सर्विसेज की ये ऑफिशियल लिंक, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पर पहुंच जाओगे और आपको डायरेक्टली बेसिक डिटेल्स भर के गाइस आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा अमेज़न का। अब मैं आपको गाइस बता देता हूँ ओरेकल के, तो ओरेकल के गाइस डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आए हुए हैं, तो आप देख सकते गाइस ये और ये कोर्सेस गाइस आपको 28th Feb 2022 के पहले करने पड़ेंगे, नहीं तो सर आपको इसका बैज या सर्टिफिकेशन गाइस आपको नहीं मिलने वाला। तो इसमें हर फील्ड से रिलेटेड आपको कोर्सेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो कैसे क्या करना है आपको हर चीज बताऊंगा, इसलिए आप आखिरी तक देखना तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको तीन लेवल्स बेसिकली मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर और आर्किटेक्ट, ठीक है। तो अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप देखो तो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, ये फाउंडेशन का बेसिक है। यहाँ पे गाइस आपको बेसिक्स ऑफ OCI सर्टिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिर सेकंड गाइस आपका ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट एसोसिएट होने वाला है। फिर नेक्स्ट गाइस आपका आर्किटेक्ट प्रोफेशनल होने वाला है। फिर नेक्स्ट गाइस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस है। नेक्स्ट आपका गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज है। फिर साइबर सिक्योरिटीज है गाइस। यहाँ पे फिर आपको ऑटोनॉमस डेटाबेस मिल जाएगा, ओरेकल क्लाउड डेटाबेस सर्विसेज स्पेशलिस्ट। फिर डेटाबेस माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट मिल जाएगा गाइस आपको। बिजनेस एनालिस्ट एक्सपर्ट, ओरेकल मैनेजमेंट क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, आप प्रॉपर इनके बारे में भी पढ़ सकते हो, ओरेकल क्लाउड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या एनरोल करना है। तो ये हमारे थे गाइस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर के, ठीक है। फिर आपको गाइस ये आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे गाइस अब आपको करना क्या है, ठीक है। ये आप डेवलपर के देख सकते हो, डेवलपर में क्या क्या है प्रॉपर आपको ये सब मिल जाएंगे। फिर आर्किटेक्ट में आप देखो तो आर्किटेक्ट में गाइस आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अब गाइस इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसमें दो प्रोसेस रहती है, तो आपको दो प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस आप ये प्रॉपर देख भी सकते हो, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स गाइस, हर चीज आपको मैंने ऊपर ऊपर से नीचे तक बता दिया। अब लेट सपोज गाइस आपको कोई अपना एनरोल करना है, जैसे मेरे को गाइस ये वाला करना है साइबर सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो ये आपको साइबर सिक्योरिटी दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट लर्निंग गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये जितने भी एक्सेस वगैरह कोई भी सर्टिफिकेशन करना, उसके पहले आपको गाइस एक एग्जाम देना रहता है। तो एग्जाम जब आप गाइस दे लेते हो, पास हो जाते हो, तो ही फिर आप ये वाला सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, नहीं तो फिर गाइस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे, आपके सामने ये खुल जाएगा पेज जिसमें आप देख सकते हैं डिस्कवर एंड ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटीज बी या साइबर सिक्योरिटीज अवेयरनेस मंथ बाय टेकिंग दिस फ्री ट्रेनिंग। तो गाइस ये ट्रेनिंग जो है ये आप देख सकते हैं 2 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग होने वाली गाइस ये साइबर सिक्योरिटी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट स्टार्टेड कंप्लीट द रिकमेंडेड कंटेंट। तो गाइस इसमें आपको 5 आइटम्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अपन देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले गाइस आपको आप देख सकते हैं इसमें टोटल इतनी चीजें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैज है आपका, मतलब ये जो आपका सर्टिफिकेशन है, तो ये आपको अभी लॉक लगा है। तो इसके पहले गाइस आपको 5 प्रोसेस कंप्लीट करने, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप जैसे देख सकते हो, आप सबसे पहले गाइस अगर आपको ये अलग करना है तो आपको एनरोल इन दिस पाथ पे क्लिक करना है। एनरोल इन दिस पाथ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है गाइस, अगर आप न्यू यूजर हो तो गाइस आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे आप क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल में गाइस आप स्टूडेंट डाल सकते हो प्रॉपर, फिर मोबाइल नंबर में गाइस अपना मोबाइल नंबर आप डाल देना, कंपनी नेम करके क्रिएट अकाउंट कर देना है गाइस, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आप क्रिएट अकाउंट करोगे, मेरा ऑलरेडी गाइस मैंने अपना अकाउंट बना के रखा है तो मैं सिर्फ साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन, और फिर आपके गाइस जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास वेरिफिकेशन का एक मेल आएगा आपकी प्रॉपर ईमेल आईडी में, जो आप देख सकते हो ये मेरे को आया है। तो यहाँ पे गाइस आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस करके अपना वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। फिर गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको प्रॉपर एक बार करके दिखा देता हूँ अपना वाला। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया था। तो सिंपल आपको वही प्रोसेस करनी है फॉलो, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन, जैसे ये मेरे को लेना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एनरोल इन पाथ पे क्लिक किया, यहाँ पे गाइस मैं डायरेक्टली साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने अकाउंट यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे गाइस साइन इन वाला ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे गाइस आपको साइन इन कर लेना, बहुत ही बेसिक डिटेल डाल, जैसे आपने अपना अकाउंट बना लिया गाइस फिर आपको यहाँ पे अपना साइन इन कर लेना। साइन इन में गाइस आपको यूजर नेम और पासवर्ड का 2 ऑप्शन आएंगे। तो यूजर नेम में गाइस आपकी यूजुअली ईमेल आईडी रहेगी, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो आपको डाल देना, और पासवर्ड में गाइस आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे बनाया है। तो जैसे ही आपने गाइस साइन इन के लिए ये वाला जो कोर्स है आप लेना चाहते हो, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कि आपको गाइस एक्टिवेट एंड स्टार्ट लर्निंग क्या कैंसिल। तो आपको एक्टिवेट एंड स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गाइस एक्टिवेट एंड स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ एग्रीमेंट आएंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो अपने हिसाब से और आई एग्री करके एक्टिवेट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आप एक्टिवेट करोगे तो लोड होएगा, और फिर लोड होने के बाद गाइस आपके सामने अलग अलग कोर्सेस आ जाएंगे जो कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट 5 प्लेटफॉर्म्स बताए। उन 5 प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद गाइस आपके सामने वो प्रॉपर एक बैच मिल जाएगा। इस वाले कोर्स में गाइस आपको वो नहीं, वो मतलब बेसिकली एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, पर जो बाकी वाले कोर्सेज हैं, जो कि बाकी आप और भी देखो क्लाउड कंप्यूटिंग, ओरेकल के डिफरेंट डिफरेंट जो कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें गाइस आपको यहाँ पे आपको एग्जाम पहले देना पड़ेगा। पहले आपका वीडियो रहने वाला है, फिर गाइस आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा छोटा सा, और फिर एग्जाम के बाद गाइस आप ये वाला सेशन अटेंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो सब 0-0% अभी दिख रहा है। तो मैंने गाइस अब एनरोल कर लिया, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गाइस तो ये मेरे सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको वीडियो पहले कंप्लीट करना है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो जैसे ही आप गाइस वीडियो कंप्लीट कर लो तो आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेशन मिल जाएगा ओरेकल का। बट गाइस, और ये जितने भी आपके वीडियो सेशंस हैं, मतलब ये सब आप जो देख रहे हो लेक्चर्स वगैरह, ये गाइस आपको 28 फेब के पहले कंप्लीट करने हैं। और जो बाकी है, जितने भी बाकी जो है, कोई भी आप टॉपिक और कोई लेते हो, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी लिया, तो क्लाउड सिक्योरिटी में गाइस पहले आपका वीडियो रहने वाला है, फिर उसके बाद एक एग्जाम होएगा। वो एग्जाम को गाइस आपको 28 फेब से पहले कंप्लीट करना है, तभी आप कोई भी सेशन आप अटेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर गाइस आपको वो एक एक सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको कोशिश क्या करनी है, 28 फेब के पहले आपको ये सब वीडियोस अपने कंप्लीट करने, हर चीज बस आपको यहाँ पे प्ले कर देना गाइस। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्रॉपर, ये जैसे ही आप देखोगे गाइस तो ये आपका 0% से हो जाएगा।
100%, ठीक है, तो 0% से 100% हो गया। फिर उसके बाद गाइस आपको सेम प्रोसेस के साथ आपको क्लाउड सिक्योरिटी ड्राइवर्स एंड चैलेंजेस कंप्लीट करना है, फिर आपको ओरेकल क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज करना है, ओरेकल क्लाउड सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच क्या है, और फिर उसका पीपल प्रोसेस एंड साइबर। जैसे ही आप गाइस कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने ये बैज आपको मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी का। तो ऐसे ही सेम काम गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के साथ हर के साथ गाइस आपको यही करना है, ठीक है। तो बस आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, अकाउंट आपको बना लेना, और अकाउंट बनाने के बाद एक छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो के बाद गाइस आप एक एग्जाम दोगे, एग्जाम गाइस 20-25 मिनट का रहता है, वो आपको देने के बाद गाइस आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं कोई भी सेशंस में जो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज है गाइस, जो भी आपको कोर्सेज वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस अभी इससे रिलेटेड, और गाइस आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, गुड बाय गाइस, बाय बाय।